हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो? आपसे स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी 7:30 बज चुके हैं, इन्हें जाना है खेत में। अर्णिका देखिए, कल गई थी ना खेत में, तो आज फिर जाने के लिए तैयार हो गई। और इसकी कैप में जाएगा, उसने इसने कल गेहूँ कटवाए थे जाके वहाँ से। इसके पापा बोल के गए आज इसे लेके आइए जरूर, चाहे काम हो या ना हो। वहाँ से जा रहे कर नहीं का आप? हाँ मैं जा रहा, मैं जा ले पापा। हाय हाय ना, मम्मी भी जा रही थी ना, जाने जा। चलो बाय करो मम्मी को अपने, बाय बाय। मुंह तो धो लेती हां, मुंह तो वो मैं धो, मैं धो रहा, मुंह तो धो लेती हां। चलो हैं, अमरूद लेके आइयो हैं, जाओ जाओ बाबा के पास जाओ। अंगली पकड़ा जाओ, चल अंगली पकड़ के जाओ। नहीं इंगली वाली पकड़ेगी मम्मी। आ ये डेलिया लगी अब घूमन खेत में सुबह सुबह, मेरे साथ में एक घंटा या डेढ़ घंटा खेत में घूम कर फिर चल देगी। हाँ तो ताऊ ने तो लान कटवा दिया कल, और मरा रह गया है। अल्लाह ही कटवा दिया है, अल्लाह ही था वो डुंडल ने देखी। कितने और थे? 15 ही है। क्या रुपए क्विंटल काट रहे थे? 120 रुपए क्विंटल। चलो चलो, और भूस तो आज ढोई दोगे तुम सारा जो। हाँ ये भी है, चलो ढोलो तुम ढोलो पहले। ये लो जी कट गए आज सारे हैं। टोपी टोपी क्यों उतार दी? धूप तो नहीं लगती है, ऊपर हल्की सी उड़ा दो बस। नहीं ये रह रही पूरी बस तीनक पैंत। हाँ सुसु कर दिया फैस होली। ओहो कोठी भी कर ली भाई खेत में आ गए। कच्ची हम लेकर आए थे इसकी अर्णिका। ए अर्णिका आजा, चला सो के उठ तो ही खेत की तरफ को आ गए बस। है ये मस्ती में है या? देखिए गाइस, अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले सो के उठे थे, आज ना मैं दिन में सो गई थी, वरना मैं कभी नहीं सोती दोपहर के टाइम। और अर्णिका क्यों जिस सो गई? क्योंकि ये रो रही थी ना, तो मैं इसके पास लेट गई तो मुझे भी नींद आ गई। अभी इसे लगा है नीचे जाने का शौक। कहाँ जाओ बेटा है? और सोने के बाद ना किसी को तो हल्का हल्का सा फील हो गया है। मेरे ना सर में दर्द हो जाए जब मैं सो जाऊँ, भारी भारी सा हो जाए मेरा सर सोने के बाद। हाँ आ जा, क्योंकि मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है ना, कभी नहीं सोती मैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। अपनी माँ जी के पास ही सो जाए बस, क्योंकि मम्मी को तो आदत है। हैं मेरे ना सोने के बाद सर में गैस सा बन जाए दिन में जब सो जाए। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं नीचे, मम्मी गई है नीचे, क्योंकि आज ना हमारा लान निकल रहा, यानी गेहूँ है जो ये मशीन में को निकल रही है। और जी हाँ ये देखो कितनी जल्दी चल रही, लग रही इसे जाने की। मेरी गोदी में आजा, चल फिर चल रही नीचे आजा। देख गिरी, देखो झुकी जा रही नीचे चल रही। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, चप्पल बाद मोरा भाई बछड़े को भाई को आया। चल पंखी हम बैठ जा, चल ये देखिए गाइस गाय को घास कर दिया है। और अभी हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि जो पहला बड़ा था ना उसमें मोर मिला दिया चौकर। यहाँ पे अभी मम्मी निकाल रही है दूध, और आज चाचा जी खेत में है ना, मतलब कि वो निकल रहा गेहूँ अनाज निकल रहा, तो अभी मशीन लगी नहीं है वहाँ पे, उनका वेट कर रही। तो तब तक शाम का टाइम है, 5 बज चुके हैं, तो मम्मी निकाल रही है यहाँ पे दूध।
और बहुत ही टाइट दार है इसकी, आधा घंटा लगा क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक सा निकला। चाचा जी निकाल रहे उस दिन से इसका, गाय का तो किसी और ने निकाला भी नहीं, बड़ी मुश्किल निकला है। कोशिश कर रहे थे एक दिन हम भी, पर निकला ही नहीं। अनिका के पापा भी आ गए, वो अभी ऊपर चली गई छत पे अपने पापा के पास। देखो कितने बारीक बारीक दार निकल रही। करवे में रखा पानी, ये अपने पापा के पीछे पीछे आई अभी है। लान जो है सारा का सारा जितना कटाई की थी जिसकी, सुबह कट चुका था और दोपहर में इकट्ठा कर दिया पापा ने। मैं तो आया हूँ अभी बैंक से, कपड़े चेंज करके आया हूँ घर से, और अब मशीन का इंतजार है। मशीन वाले ने वादे किए हैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, 10 मिनट में आ जाऊँगा, 11 बजे आ जाऊँगा। अब बज चुके हैं 6 बज चुके हैं सुबह से, दोपहर से इंतज़ार करते करते अब तक मशीन वाला नहीं आया है, और देखते हैं आएगा तो निकलवा देगा, नहीं आया तो नहीं निकलेगा। जाहिर सी बात है अगर मशीन आ गई तो आधे घंटे का काम है, आधे घंटे बाद निकल जाएगा, अगर मशीन ना आई तो नहीं निकलेगा। और एक मशीन इस साइड में चल रही है, वो रही वहाँ पे दूर है काफ़ी वैसे तो। पापा जा रहे हैं वहाँ पे, वे जा रहे मशीन वाले के पास में ही बात करने के लिए, किन टाइम हो तो निकाल दे, कल देखेंगे। जैसे आज निकलवाना ज़रूरी है, कल के उसमें मैप में बारिश दिखा रहा है, और बारिश दिखा रहा है 30%, हो भी सकती है और नहीं भी। बस वहाँ से आए बैंक से और सीधा एकदम कपड़े चेंज किए, यही वाले डेली यही पहनते हैं खेत में, और फिर चल दिए खेत के लिए। चाचा जी जो है लगे हुए थे इस वाले खेत में, वैसे इसमें अभी ज़रूरत नहीं है इसे खोदने की, मगर इसमें खुदाई के लिए लगे हुए हैं, खोद दिए है ये वाले कोड तसल्लीपूर्वक। घास सब रहा था इसमें, इस तरह का इन वालों में लगे हैं। और हम सुबह पानी चला के गए थे नर्सरी में अपनी, तो वो भर चुकी है, उससे अगले वाला क्यारा भर गया, अभी नहर आई हुई है तो पानी चलता रहेगा। और जी इसमें खोल दिया है पानी खेत में, गन्ने का खेत जो है इस वाले में पानी खोल दिया है। एक क्यारा ये भर गया, एक क्यारा रह रहा, क्योंकि खाद पानी गिरा था तो, खाद और दवाई गिरी थी तो पानी ज़रूर चाहिए। ये वाला रह गया, इसमें चलाया गया, अब ये वाला भर गया है, ये वाला रह रहा इसमें चलेगा, और ये भर गई है नर्सरी, दो बार भर चुके हैं इसको। उधर ताऊ जी आ गए बुग्गी लेकर, वे भरेगे भूस इकट्ठा कर रहे हैं, पल्लियों में चढ़ा रहे हैं और फिर भरेगे। ये देखिए और हवा निकल गई है, हवा चल पड़ी है भाई, और भूस उड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। इसमें पानी चल ही रहा है, उस कैरे में से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से उसमें, ऐसे भरेंगे। देखिएगा इस, अभी रात का टाइम हो चुका था, और अंडिया के पापा ना रात को 9 बजे आए थे, पापा चाचा जी सभी लाल निकलवाने के बाद, क्योंकि मतलब कि सुबह से वेट कर रहे थे मशीन वाले का कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। यार आपको पता है जब रास्ते में कोई निकलते रहते हैं मशीन वगैरह, कोई भी मिल जाए रास्ते में कि हमारा निकाल दो हमारा निकाल दो, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा अनाज निकल चुका है, थोड़ा बहुत रह गया था, और हमारा 3 बीघे में से 11 क्विंटल अनाज निकला, और ताऊ जी के निकला 15 क्विंटल। मतलब कि थोड़े हमारे हमने बाद में बोए थे ना गेहूँ, छोटा थी फलान भी, और जी थोड़े गेहूँ भी हल्के थे हमारे, तो 11 क्विंटल निकला। चलो जी कोई नहीं, और अभी यहाँ पे देखे भूस भी बहुत अच्छा निकल रहा है, बारीक बारीक सा। वैसे तो और मशीन से भी निकलवा लेते हम, क्योंकि मतलब कि और मशीन ना मोटा मोटा भूस दे रही थी, इसी वजह से इसी का वेट कर रहे थे सुबह से कि ये मशीन आएगी और इसी से निकलवाएं, क्योंकि जो ताऊ जी हरकर नाल निकल रहा ना, मतलब कि गेहूँ निकाल ले मशीन ने, वो मोटा मोटा भूस दे रही थी अनाज, तो वो ठीक दे रही थी, मतलब कि कूड़ा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मतलब कि वो था उसमें भूस मोटा मोटा था, तो गाय के लिए हमने बारी मान की हो गई है चलने की यहाँ से। और बुग्गी 9 बजे चढ़ा नहीं पाई,